हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ है, प्रचंड है और बहुत उत्साही भी है। हनुमान जी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। वानर श्रेष्ठ प्रचंड उत्साही हनुमान जी सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। हे श्रीमन पंचमुख हनुमान जी, मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए, संकट में से मेरा उद्धार कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये छोटा सा अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, राम डैश तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के डैश। ऑप्शंस है रसायन और पासा, दुआरे और दासा, रसायन और दासा या फिर भजन और पासा। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं मुंबई का रहने वाला हूं और मैं क्लास 12वीं में पढ़ता हूं। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटित हुआ श्री हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो बचपन से लेकर अभी तक मुझे पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पिछले साल जब मैं क्लास 11वीं में था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं बता नहीं सकता। मेरे जीवन में अंधेरा सा छा गया था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बस पूरा दिन रोते रहता था। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगता कि अब मुझे मर जाना चाहिए। मेरे अंदर जीवन जीने की आस भी समाप्त हो गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर बहुत टेंशन में रहते थे। वे मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैं फिर भी रोता रहता, अकेला बैठा रहता, अपने आप को मारता। मैंने अपने मन की शांति के लिए बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन मुझ पर कुछ काम नहीं किया। मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहीं भाग जाने का मन करता, सबसे दूर, बहुत दूर। मेरे परिवार में मेरे एक भैया भी है, वो भी मुझे बहुत समझाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक था जब तक मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू नहीं की थी। जयेश भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन अचानक से यूट्यूब पे मैंने आपका बजरंगबली को लेकर वीडियो देखा। बस फिर क्या, अगले दिन से ही मैं आस लिए बैठ जाता था उनकी सेवा में। मैंने प्रभु भक्ति की शुरुआत हनुमान चालीसा से की, फिर धीरे धीरे बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती और राम नाम की माला जपने लगा। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करेंगे, बस एक महीने के अंदर मुझमें सुधार आने लगा। मैं ठीक होने लगा, फिर से पढ़ने लिखने लगा, सबके साथ हंसने खेलने लगा। मेरे मम्मी पापा हैरान थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। अब आप ही बोलिए जयेश भाई, ये मेरे बजरंग बली की कृपा नहीं तो क्या है? ये सब मेरे प्रभु की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वो कहते हैं ना, भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। आज मुझे मरने या भाग जाने का ख्याल नहीं आता, और मुझमें जो जीवन जीने की आस खत्म हो गई थी वो फिर से आ गई है। मुझमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। जयेश भाई, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे अपना अनुभव सभी भक्तों तक पहुँचाने का मौका मिला। बजरंग बली आपको खुश रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। आज के हर युवा को हनुमान जी की भक्ति करनी ही चाहिए। देखना, आप में एक अलग ही ऊर्जा और कॉन्फिडेंस होगा। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी कितनी निधियों के दाता हैं? ऑप्शंस हैं 8, 6, 9 या 5। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर है 9। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है दीपक ढेंगिया, वाणी दीपक मखीजा और कार्तिक अय्यर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।